वालेकुम वेलकम टू जंजानी टीवी मैं हूँ सैयद मसवर अली जंजानी हमारा जो आज का दिन है दो मई का दिन और आज के दिन के लिहाज से इंशाल्लाह शुफगु करेंगे लेकिन सबसे पहले जो कल का दिन गुजरा है और कल का दिन हमारा जो प्रोग्राम था बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट्स में मैसेजेस आए कि सजटेरियस जो प्रोग्राम था उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई कुछ एडिटिंग फॉल्ट की वजह से आप लोग सेजिटेरियंस वाले जितने भी लोग थे वो प्रॉपरली तौर के ऊपर उसको सुन नहीं पाए एक तो उसके लिए सबसे पहले माजरत क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं हर एक को कमेंट में जो है वो एक्सक्यूज़ करूँ तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को प्रोग्राम में ही इसका एक्सक्यूज कर लूँ ताकि स्पेशली हमारे ऐसे बहन भाई जिनको स्पेशली सजिटेरियंस वाले जो लोग हैं जिनको प्रॉपरली तौर के ऊपर समझ नहीं आ सकी या कुछ कैपिकॉनियंस वाले लोग क्योंकि एडिटिंग मिस्टेक थी जिसमें प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली तौर के पर आई थिंक एडिट होकर एक्सपोर्ट नहीं हो सका तो उसमें वो फॉल्ट रह गई और जब बहुत सारी आप लोग काम एक साथ कर रहे हों तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आपको इलम है कि हमारा मंथली मैगजीन आयने किस्मत और इसके साथ साथ एनअल सन्जानी जंतरी बारहवेम्य जंतरी अलबे तकवीम और उसके साथ साथ ए क्यू टी वी सन्चानी टी वी और इसके अलावा आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार भरे मैसेज फ़ोन कॉल्स और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ जो कि आपको ऑफिस रूटीन में भी अंजाम देनी होती हैं तो जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या जब प्रोग्राम्स एडिट हो रहे होते हैं तो उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा चेकअप करना जो है उसमें समटाइम्स आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते और स्पेशली तब जबकि वर्किंग आवर्स पूरे ना हो और वर्किंग आवर्स भी कम हो और इसके साथ साथ रमज़ान में जो है आपको पता है कि मशरूफियात कुछ और तरह से बहुत ज़्यादा होती हैं रूहानी दौर के ऊपर मजहबी तौर के ऊपर फलाही दौर के ऊपर तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें जो हैं कभी कभी रह जाती हैं जो कि आप लोग प्रॉपर्ली इसको एडिट के बाद चेक नहीं कर पाते तो एक तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा माजरत आज के प्रोग्राम में अगर हम लोग गुतगु करें तो आज का दिन है बेसिकली इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का दिन है क्योंकि आज का दिन ज़रबत का दिन है और कल की जो शब थी वो ज़रबत की शब थी और आज का जो दिन है ये ज़रबत है मौला अली करमला बजहल करीम की तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा और आकीदाम के साथ आज का दिन मनाना चाहिए और वैसे भी आपको इलम है कि छुट्टी का दिन है और आज के दिन अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस को देखें तो पहला जो ज़ोडिक साइन है बर्ज एरीजहमल आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आप लोग काफ़ी हद तक अपना जो आज का वक्त है शरीक मोहब्बत के साथ यहाँ फिर अखिल साहिब औलाद है तो औलाद के साथ जहनी तौर के ऊपर हम आहंगी को बेहतर करने में गुजारते हुए नज़र आते हैं तो आज का दिन काफ़ी हद हाँ तक आप लोगों का फोकस है अपने पर्सनल मैरिज मैरड्समानवी मैरिज आप लोगों की औलाद के लिहाज से इसके साथ साथ आप लोगों के फैमिली मैरिज इनको ज़्यादा टाइम देने के लिए तो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है नेक्स्ट जॉड एंड टॉरस बुरजेसौर बुरजेसौर वालों का जो बेसिकली आज का दिन है कुछ नई स्कीमों में आप लोग अपने काफ़ी हद तक सोच को मबजूल रखे हुए नजर आते हैं कुछ नई नई प्लानिंग्स नई नई स्कीमें नए नए मामला को क्योंकि फाइनेशियली प्रॉब्लम जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमिक रखे हुए हैं तो उसके लिए चीज़ों को प्लान आउट कर लेना आज के दिन तो अगला हफ्ता है उसमें आमदनी के लिहाज से सबसे ज्यादा चीज़ें आपके लिए एहतियात कुलेंगी जब आप लोग थोड़ा सा माली मामला में उलझाव का शिकार है लेकिन आज के दिन कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करें डिस्कस करें ऐसे लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि आपके साथ सिंसेयर हैं मुखलस उनके साथ चीज़ों को शेयर कर लेना ज्यादा मुनासिब और पॉजिटिव रहेगा ज सरतान बुरज सरतान वालों का जो बेसिकली आज का दिन है थोड़ा सा संजीदगी के साथ दिन गुजारने की आप लोगों की सोच रहती हुई नजर आती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं आपकी जिंदगी में जिनको आज के दिन सॉर्ट आउट कर लेना और हल कर लेना आश्वत ज़रूरी है तो आप लोग आज के दिन थोड़ा संजीदगी के साथ वक्त गुजार के ऐसे प्रॉब्लम को शॉट आउट करते हुए नजर आएंगे नक्सा लियो बुरज उसद बुरजे उसद वालों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन आप लोग शरीक मोहब्बत और इसके साथ साथ आप लोग अज्दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिव मुतहरिक हैं और अज्दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किल को हल करते हुए नज़र आते हैं और इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी में भी जो ज़हनी हम आंगी नहीं हो पा रही प्रॉब्लम चल रही है मसाइल चल रहे हैं उनको आप लोग किसी दौरे के ऊपर इन शाला शॉट आउट कर पाएंगे नेक्स्ट जॉडिकसाइन विरघो बुरज शुभला बुज शुभला के जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन के लिहाज से देखा जाए तो मज़हब रूहानियत फलाही काम दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा देना ब्लस करना और इसके साथ साथ अपनी जाती सेहत के बारे में आप लोग काफ़ी हद तक जो है कॉन्शियसली वर्क करते हुए नज़र आते हैं फिजिकली तौर तो के प्रति आपको थोड़ा सा एक्टिव करते हुए नज़र आते हैं तो आज का दिन आपके इस लिहाज से काफ़ी हद तक इन पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट जॉडिका बुरज मैजान बुरज मैजान के हामिल जो लोग हैं आज के दिन के एतबारे देखा जाए तो जहनी तौर के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेशन का लेवल जहनी तौर के ऊपर थोड़ी सी सोच को बेहतर करना मुनासिब करना अशद जरूरी रहेगा क्योंकि मैंटली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक चीज़ें आपकी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकेंगी जितना शायद आप लोग समझे हुए हैं नेक्स्ट जॉर्ड साइन स्कॉर्पिय बुर्ज स्कॉर्पियत के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन के एतबार पर आप लोग अपने करियर कारोबार रोजगार को बेहतर बनाते हुए नजर आते हैं लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को आज का जो दिन है अपनी सेहत के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली वर्क करना चाहिए उसमें कतई तौर तो के ऊपर आपको सुस्ती काहली नहीं दिखाने की ज़रूरत अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ आपको अगले पूरे हफ्ते में फेस करने पड़ सकता है ऑन एंड ऑफ नेक्स्टेरियसिटेरियस आप लोगों को जो बेसिकली आज का दिन है कारोबारी मामला से ज़्यादा मसरूफ़ अमल नजर आते हैं आप लोग अपने ख़ानगी मामला को लेकर अपने जीज़ों का रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और यही वजह है कि आज का जो दिन है बेसिकली अपने फैमिली माहौल में खूबसूरती किस तरह पैदा की जा सकती है इसके ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस रहेंगे एंड कैप्रिकॉन बर्ड जो कैपिकॉन का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के एतबार पर आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है तब्दीली की तरफ लेके जाते हुए नज़र आएंगे अपने सोच मिजाज घर की तरतीब तजीनों और रइ अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग अपनी सोच की तब्दीली और मिसबत पहलुओं की तरफ यह तब्दीली आज के दिन काफ़ी हद तक इन शाला हावी रहेगी एक नेक्स एन एक्वेरियस वर्ज तलफ एक्वेरियस आप लोगों को जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के एतबार पर अजीज़ोकार रिश्तेदार और बहन भाई ये आपकी तरफ रजू करते हुए नजर आते हैं अपनी किसी न किसी परेशानी को लेकर अपने मसले को लेकर अपने मसले के हल के हवाले से तो आज का दिन बेसिकली आप लोगों का दूसरों की जिंदगीों में फ़वाद एंटर करने का दिन है दूसरों की जिंदगियों में चीज़ों को मज़बूत बनाने का दिन है लास्ट बुढ़े वालों का जो बेसिकली आज के दिन है आज के दिन के एतबार पर आप लोग काफ़ी हद तक अपनी एक तो खामोश तबाह जो है नेचर इसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें क्योंकि आज के दिन खामोश तबाह रहने की वजह से आप लोग वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे दूसरों के साथ स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं उन अफरा के साथ चीज़ों को शेयर करना अशद ज़रूरी रहेगा अगर आप लोग चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो मामला उतने पॉजिटिव नहीं होंगे अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी सोच है उसके मुताबिक मामला अगले हफ्ते में अंजाम पाएँ तो चीज़ें शेयर करना अशद जरूरी रहेगा आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त है अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह चालो बठे ज़िंदगी आपसे कल भी मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़